तो अगर आप अक्षय कुमार की मच अवेटेड मूवी टॉयलेट एक प्रेम कथा को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टॉयलेट एक प्रेम कथा मूवी के बारे में। तो दोस्तों, ये मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है। तो दोस्तों, आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें इस मूवी के बारे में तो 11 अगस्त 2017 को रिलीज की गई कॉमेडी एंड रोमांस मूवी। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था श्री नारायण सिंह ने, जो कि जाने पहचाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों, आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों, और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारे चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। बात करें इस मूवी के आईएमडीबी रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को आईएमडीबी रेटिंग 10 में से 7.2 की मिली हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के रोटेन टोमेटोज के बारे में तो इस मूवी को रोटेन टोमेटोज की तरफ से 21% फ्रेश बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के गूगल यूजर्स के बारे में तो इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 83% लाइक किया गया है। तो दोस्तों, आप एक बार तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी के ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में तो इस मूवी को ओटीटी प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, नेटफ्लिक्स पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। बात करें इस मूवी के वर्ल्ड रैप प्रीमियर के बारे में तो इस मूवी का वर्ल्ड रैप प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, जी सिनेमा पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी में आपको देखने को मिलेंगे अक्षय कुमार, भूमि, अनुपम खेर, सुधीर पांडे, साना खान आदि बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। दोस्तों, इस मूवी का बजट था 75 करोड़। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 75 करोड़ में बनी थी। बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 310 करोड़ का कारोबार किया था। दोस्तों, यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही थी। तो दोस्तों, आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों, और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हम हमारे YouTube चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। टॉयलेट एक प्रेम कथा श्री नारायण सिंह द्वारा निर्मित 2017 की एक भारतीय हिंदी भाषा कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। अक्षय कुमार, नीरज पांडे द्वारा निर्मित है। यह अक्षय कुमार के भूमि पेंड नियर भारत की स्वच्छता की स्थिति को सुधार के लिए अभियान चलाते हैं, जिससे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में खुले में शौच के उल्लेखन में जोर दिया गया था। फिल्म भारत के शौचालय समस्या पर प्रकाश डालती है, जो कि इसे संस्कृत भाषाओं में भावनाओं के कारण भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के पास अभी भी बुनियाद आवश्यकता नहीं है। जो महिला को निराश करती है वह उसे आगे चलकर चेन उड़ती पीड़ा के कारण बनाती है। बताया जा रहा है कि यह भूमि मध्य के निर्माता सच्ची कहानी पर आधारित है, जिसके अपने पत्नी शिवराम के घर वापस जाने से इनकार कर दिया जाता है क्योंकि शौचालय नहीं था। वास्तव में फिल्म के अंत के बाद भूमि पेंड नियर के साथ दंपति की एक तस्वीर पर दिखाई देती है और उसके तथ्य उल्लेखनों के रूप में किया जाता है। फिल्म की शुरुआत में नहीं बताया जाता है कि फिल्म की सच्ची घटना के प्रेरित है, हालांकि वास्तव में पन्नों पर नाम अंत पर किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता के संदेश में आगे बढ़ाने का एक अच्छा प्रयास बताया गया है। दिसंबर 2017 बिल गेट्स टॉयलेट एक प्रेम कथा 2017 में छुए सकारात्मक चीजों को एक रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। दोस्तों बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में, तो इस मूवी का टाइम लेंथ हमें 2 घंटा 35 मिनट में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, 2 घंटा 35 मिनट में आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज वायरल चलती रहती है, तो दोस्तों आप वहां पर भी इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। बात करें इस मूवी के ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस मूवी को ओटीटी प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, नेटफ्लिक्स पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर के बारे में, तो इस मूवी का वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा, तो दोस्तों आप जी सिनेमा पर भी इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। यह मूवी आपको एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता हूँ आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। तो अगर आप अक्षय कुमार की मच अवेटेड मूवी टॉयलेट एक प्रेम कथा को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टॉयलेट एक प्रेम कथा मूवी के बारे में। तो दोस्तों ये मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है, तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें इस मूवी के बारे में, तो 11 अगस्त 2017 को रिलीज की गई कॉमेडी एंड रोमांस मूवी। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था श्री नारायण सिंह ने, जो कि जाने पहचाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारे चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। बात करें इस मूवी के आईएमडीबी रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को आईएमडीबी रेटिंग 10 में से 7.2 की मिली हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के रोटेन टोमेटोज के बारे में, तो इस मूवी को रोटेन टोमेटोज की तरफ से 21% फ्रेश बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के गूगल यूजर्स के बारे में, तो इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 83% लाइक किया गया है। तो दोस्तों आप एक बार तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस मूवी को ओटीटी प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, नेटफ्लिक्स पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर के बारे में, तो इस मूवी का वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, जी सिनेमा पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी में आपको देखने को मिलेंगे अक्षय कुमार, भूमि, अनुपम खेर, सुधीर पांडे, साना खान आदि बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। दोस्तों इस मूवी का बजट था 75 करोड़। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 75 करोड़ में बनी थी। बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में, तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 310 करोड़ का कारोबार किया था। दोस्तों यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही थी। तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हम हमारे यूट्यूब चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। टॉयलेट एक प्रेम कथा श्री नारायण सिंह द्वारा निर्मित 2017 की एक भारतीय हिंदी भाषा कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। अक्षय कुमार, नीरज पांडे द्वारा निर्मित है। यह अक्षय कुमार के भूमि
पेंड नियर भारत की स्वच्छता की स्थिति को सुधार के लिए अभियान चलाते हैं, जिससे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में खुले में शौच के उल्लेखन में जोर दिया गया था। फिल्म भारत के शौचालय समस्या पर प्रकाश डालती है, जो कि इसे संस्कृति भाषाओं में भावनाओं के कारण भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के पास अभी भी बुनियाद आवश्यकता नहीं है। जो महिला को निराश करती है वह उसे आगे चलकर चेन उड़ती पीड़ा के कारण बनाती है। बताया जा रहा है कि यह भूमि मध्य के निर्माता सच्ची कहानी पर आधारित है, जिसके अपने पत्नी शिवराम के घर वापस जाने से इनकार कर दिया जाता है क्योंकि शौचालय नहीं था। वास्तव में फिल्म के अंत के बाद भूमि पेंड नियर के साथ दंपति के एक तस्वीर पर दिखाई देती है और उसके तथ्य उल्लेखनों के रूप में किया जाता है। फिल्म की शुरुआत में नहीं बताया जाता है कि फिल्म की सच्ची घटना के प्रेरित है, हालांकि वास्तव में पन्नों पर नाम अंत पर किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता के संदेश में आगे बढ़ाने का एक अच्छा प्रयास बताया गया है। दिसंबर 2017 बिल गेट्स टॉयलेट एक प्रेम कथा 2017 में छुए सकारात्मक चीजों को एक रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो दोस्तों, आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों, और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारे YouTube चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। दोस्तों, बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में, तो इस मूवी का टाइम लेंथ हमें 2 घंटा 35 मिनट में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, 2 घंटा 35 मिनट में आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज वायरल चलती रहती है, तो दोस्तों आप वहां पर भी इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। बात करें इस मूवी के ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस मूवी को ओटीटी प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, नेटफ्लिक्स पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर के बारे में, तो इस मूवी का वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा, तो दोस्तों आप जी सिनेमा पर भी इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। यह मूवी आपको एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। तो अगर आप अक्षय कुमार की मच अवेटेड मूवी टॉयलेट एक प्रेम कथा को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टॉयलेट एक प्रेम कथा मूवी के बारे में। तो दोस्तों, ये मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है। तो दोस्तों, आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें इस मूवी के बारे में, तो 11 अगस्त 2017 को रिलीज की गई कॉमेडी एंड रोमांस मूवी। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था श्री नारायण सिंह ने, जो कि जाने पहचाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों, आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों, और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारे चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। बात करें इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb रेटिंग 10 में से 7.2 की मिली हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के रोटेन टोमेटोज के बारे में, तो इस मूवी को रोटेन टोमेटोज की तरफ से 21% फ्रेश बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के गूगल यूजर्स के बारे में, तो इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 83% लाइक किया गया है। तो दोस्तों, आप एक बार तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी के ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस मूवी को ओटीटी प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, नेटफ्लिक्स पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर के बारे में, तो इस मूवी का वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, जी सिनेमा पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी में आपको देखने को मिलेंगे अक्षय कुमार, भूमि,
अनुपम खेर, सुधीर पांडे, साना खान आदि बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। दोस्तों इस मूवी का बजट था 75 करोड़। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 75 करोड़ में बनी थी। बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में, तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 310 करोड़ का कारोबार किया था। दोस्तों यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही थी। तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हम हमारे YouTube चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। टॉयलेट एक प्रेम कथा श्री नारायण सिंह द्वारा निर्मित 2017 की एक भारतीय हिंदी भाषा कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। अक्षय कुमार, नीरज पांडे द्वारा निर्मित है। यह अक्षय कुमार के भूमि पेंड नियर भारत की स्वच्छता की स्थिति को सुधार के लिए अभियान चलाते हैं, जिसे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में खुले में शौच के उल्लेखन में जोर दिया गया था। फिल्म भारत के शौचालय समस्या पर प्रकाश डालती है, जो कि इसे संस्कृत भाषाओं में भावनाओं के कारण भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के पास अभी भी बुनियाद आवश्यकता नहीं है। जो महिला को निराश करती है वह उसे आगे चलकर चेन उड़ती पीड़ा के कारण बनाती है। बताया जा रहा है कि यह भूमि मध्य के निर्माता सच्ची कहानी पर आधारित है, जिसके अपने पत्नी शिवराम के घर वापस जाने से इनकार कर दिया जाता है क्योंकि शौचालय नहीं था। वास्तव में फिल्म के अंत के बाद भूमि पेंड नियर के साथ दंपति के एक तस्वीर पर दिखाई देती है और उसके तथ्य उल्लेखनों के रूप में किया जाता है। फिल्म की शुरुआत में नहीं बताया जाता है कि फिल्म की सच्ची घटना के प्रेरित है, हालांकि वास्तव में पन्नों पर नाम अंत पर किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता के संदेश में आगे बढ़ाने का एक अच्छा प्रयास बताया गया है। दिसंबर 2017 बिल गेट्स टॉयलेट एक प्रेम कथा 2017 में छुए सकारात्मक चीजों को एक रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हम हमारे YouTube चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। दोस्तों बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में, तो इस मूवी का टाइम लेंथ हमें 2 घंटा 35 मिनट में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों हमने बिल्कुल सही सुना, 2 घंटा 35 मिनट में आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज वायरल चलती रहती है, तो दोस्तों आप वहां पर भी इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। बात करें इस मूवी के ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस मूवी का ओटीटी प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों हमने बिल्कुल सही सुना, नेटफ्लिक्स पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर के बारे में, तो इस मूवी का वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा, तो दोस्तों आप जी सिनेमा पर भी इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है, यह मूवी आपको एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता हूँ आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। तो अगर आप अक्षय कुमार की मच अवेटेड मूवी टॉयलेट एक प्रेम कथा को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टॉयलेट एक प्रेम कथा मूवी के बारे में। तो दोस्तों ये मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है, तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें इस मूवी के बारे में, तो 11 अगस्त 2017 को रिलीज की गई कॉमेडी एंड रोमांस मूवी। जी हाँ दोस्तों हमने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था श्री नारायण सिंह ने, जो कि जाने पहचाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारे चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके।
बात करें इस मूवी के आईएमडीबी रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को आईएमडीबी रेटिंग 10 में से 7.2 की मिली हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के रोटेन टोमेटोज के बारे में, तो इस मूवी को रोटेन टोमेटोज की तरफ से 21% फ्रेश बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के गूगल यूजर्स के बारे में, तो इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 83% लाइक किया गया है। तो दोस्तों, आप एक बार तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी के ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस मूवी को ओटीटी प्लेटफॉर्म में नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, नेटफ्लिक्स पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। बात करें इस मूवी के वर्ल्ड रैप प्रीमियर के बारे में, तो इस मूवी का वर्ल्ड रैप प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, जी सिनेमा पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी में आपको देखने को मिलेंगे अक्षय कुमार, भूमि, अनुपम खेर, सुधीर पांडे, साना खान आदि बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। दोस्तों, इस मूवी का बजट था 75 करोड़। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 75 करोड़ में बनी थी। बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में, तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 310 करोड़ का कारोबार किया था। दोस्तों, यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही थी। तो दोस्तों, आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों, और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हम हमारे YouTube चैनल पर बता देंगे। तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। टॉयलेट एक प्रेम कथा श्री नारायण सिंह द्वारा निर्मित 2017 की एक भारतीय हिंदी भाषा कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। अक्षय कुमार, नीरज पांडे द्वारा निर्मित है। यह अक्षय कुमार के भूमि पेंड नियर भारत की स्वच्छता की स्थिति को सुधार के लिए अभियान चलाते हैं, जिसे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में खुले में शौच के उल्लेखन में जोर दिया गया था। फिल्म भारत के शौचालय समस्या पर प्रकाश डालती है, जो कि इसे संस्कृत भाषाओं में भावनाओं के कारण भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के पास अभी भी बुनियाद आवश्यकता नहीं है। जो महिला को निराश करती है वह उसे आगे चलकर चेन उड़ती पीड़ा के कारण बनाती है। बताया जा रहा है कि यह भूमि मध्य के निर्माता सच्ची कहानी पर आधारित है, जिसके अपने पत्नी शिवराम के घर वापस जाने से इनकार कर दिया जाता है क्योंकि शौचालय नहीं था। वास्तव में फिल्म के अंत के बाद भूमि पेंड नियर के साथ दंपति की एक तस्वीर पर दिखाई देती है और उसके तथ्य उल्लेखनों के रूप में किया जाता है। फिल्म की शुरुआत में नहीं बताया जाता है कि फिल्म की सच्ची घटना के प्रेरित है, हालांकि वास्तव में पन्नों पर नाम अंत पर किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता के संदेश में आगे बढ़ाने का एक अच्छा प्रयास बताया गया है। दिसंबर 2017 बिल गेट्स टॉयलेट एक प्रेम कथा 2017 में छुए सकारात्मक चीजों को एक रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो दोस्तों, आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों, और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारे YouTube चैनल पर बता देंगे। तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। दोस्तों, बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में, तो इस मूवी का टाइम लेंथ हमें 2 घंटा 35 मिनट में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, 2 घंटा 35 मिनट में आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज वायरल चलती रहती है। तो दोस्तों, आप वहां पर भी इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। बात करें इस मूवी के ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस मूवी को ओटीटी प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, नेटफ्लिक्स पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। बात करें इस मूवी के वर्ल्ड रैप प्रीमियर के बारे में, तो इस मूवी का वर्ल्ड रैप प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप जी सिनेमा पर भी इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। यह मूवी आपको एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। तो अगर आप अक्षय कुमार की मच अवेटेड मूवी टॉयलेट एक प्रेम कथा को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टॉयलेट एक प्रेम कथा मूवी के बारे में।
तो दोस्तों ये मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है, तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें इस मूवी के बारे में तो 11 अगस्त 2017 को रिलीज की गई कॉमेडी एंड रोमांस मूवी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था श्री नारायण सिंह ने, जो कि जाने पहचाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारे चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। बात करें इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb रेटिंग 10 में से 7.2 की मिली हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के रोटेन टोमेटोज के बारे में, तो इस मूवी को रोटेन टोमेटोज की तरफ से 21% फ्रेश बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के गूगल यूजर्स के बारे में, तो इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 83% लाइक किया गया है। तो दोस्तों आप एक बार तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म में नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, नेटफ्लिक्स पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर के बारे में, तो इस मूवी का वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, जी सिनेमा पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी में आपको देखने को मिलेंगे अक्षय कुमार, भूमि, अनुपम खेर, सुधीर पांडे, साना खान आदि बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में, दोस्तों इस मूवी का बजट था 75 करोड़। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 75 करोड़ में बनी थी। बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में, तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 310 करोड़ का कारोबार किया था। दोस्तों यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही थी। तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हम हमारे यूट्यूब चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। टॉयलेट एक प्रेम कथा श्री नारायण सिंह द्वारा निर्मित 2017 की एक भारतीय हिंदी भाषा कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। अक्षय कुमार, नीरज पांडे द्वारा निर्मित है। यह अक्षय कुमार के भूमि पेंड नियर भारत की स्वच्छता की स्थिति को सुधार के लिए अभियान चलाते हैं, जिससे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में खुले में शौच के उल्लेखन में जोर दिया गया था। फिल्म भारत के शौचालय समस्या पर प्रकाश डालती है, जो कि इसे संस्कृतीय भाषाओं में भावनाओं के कारण भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के पास अभी भी बुनियाद आवश्यकता नहीं है। जो महिला को निराश करती है वह उसे आगे चलकर चेन उड़ती पीड़ा के कारण बनाती है। बताया जा रहा है कि यह भूमि मध्य के निर्माता सच्ची कहानी पर आधारित है, जिसके अपने पत्नी शिवराम के घर वापस जाने से इनकार कर दिया जाता है क्योंकि शौचालय नहीं था। वास्तव में फिल्म के अंत के बाद भूमि पेंड नियर के साथ दंपति के एक तस्वीर पर दिखाई देती है और उसके तथ्य उल्लेखनों के रूप में किया जाता है। फिल्म की शुरुआत में नहीं बताया जाता है कि फिल्म की सच्ची घटना के प्रेरित है, हालांकि वास्तव में पन्नों पर नाम अंत पर किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता के संदेश में आगे बढ़ाने का एक अच्छा प्रयास बताया गया है। दिसंबर 2017 बिल गेट्स टॉयलेट एक प्रेम कथा 2017 में छुए सकारात्मक चीजों को एक रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा,
यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारे YouTube चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। दोस्तों बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में, तो इस मूवी का टाइम लेंथ हमें 2 घंटा 35 मिनट में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, 2 घंटा 35 मिनट में आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज वायरल चलती रहती है, तो दोस्तों आप वहां पर भी इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। बात करें इस मूवी के ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस मूवी का ओटीटी प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, नेटफ्लिक्स पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर के बारे में, तो इस मूवी का वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा, तो दोस्तों आप जी सिनेमा पर भी इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है, यह मूवी आपको एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता हूँ आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। तो अगर आप अक्षय कुमार की मच अवेटेड मूवी टॉयलेट एक प्रेम कथा को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टॉयलेट एक प्रेम कथा मूवी के बारे में। तो दोस्तों ये मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है, तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें इस मूवी के बारे में, तो 11 अगस्त 2017 को रिलीज की गई कॉमेडी एंड रोमांस मूवी। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था श्री नारायण सिंह ने, जो कि जाने पहचाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारे चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। बात करें इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb रेटिंग 10 में से 7.2 की मिली हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के रोटेन टोमेटोज के बारे में, तो इस मूवी को रोटेन टोमेटोज की तरफ से 21% फ्रेश बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के गूगल यूजर्स के बारे में, तो इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 83% लाइक किया गया है। तो दोस्तों आप एक बार तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस मूवी को ओटीटी प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, नेटफ्लिक्स पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर के बारे में, तो इस मूवी का वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, जी सिनेमा पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी में आपको देखने को मिलेंगे अक्षय कुमार, भूमि, अनुपम खेर, सुधीर पांडे, साना खान आदि बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में, दोस्तों इस मूवी का बजट था 75 करोड़। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 75 करोड़ में बनी थी। बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में, तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 310 करोड़ का कारोबार किया था। दोस्तों यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही थी। तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारे YouTube चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। टॉयलेट एक प्रेम कथा श्री नारायण सिंह द्वारा निर्मित 2017 की एक भारतीय हिंदी भाषा कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। अक्षय कुमार, नीरज पांडे द्वारा निर्मित है। यह अक्षय कुमार के भूमि पेंड नियर भारत की स्वच्छता की स्थिति को सुधार के लिए अभियान चलाते हैं, जिसे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में खुले में शौच के उल्लेखन में जोर दिया गया था।
फिल्म भारत के शौचालय समस्या पर प्रकाश डालती है, जो कि इसे संस्कृत भाषाओं में भावनाओं के कारण भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के पास अभी भी बुनियाद आवश्यकता नहीं है। जो महिला को निराश करती है वह उसे आगे चलकर चेन उड़ती पीड़ा के कारण बनाती है। बताया जा रहा है कि यह भूमि मध्य के निर्माता सच्ची कहानी पर आधारित है, जिसके अपने पत्नी शिवराम के घर वापस जाने से इनकार कर दिया जाता है क्योंकि शौचालय नहीं था। वास्तव में फिल्म के अंत के बाद भूमि पेंड नियर के साथ दंपति के एक तस्वीर पर दिखाई देती है और उसके तथ्य उल्लेखनों के रूप में किया जाता है। फिल्म की शुरुआत में नहीं बताया जाता है कि फिल्म की सच्ची घटना के प्रेरित है, हालांकि वास्तव में पन्नों पर नाम अंत पर किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता के संदेश में आगे बढ़ाने का एक अच्छा प्रयास बताया गया है। दिसंबर 2017 बिल गेट्स टॉयलेट एक प्रेम कथा 2017 में छुए सकारात्मक चीजों को एक रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो दोस्तों, आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों, और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारे YouTube चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। दोस्तों, बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में, तो इस मूवी का टाइम लेंथ हमें 2 घंटा 35 मिनट में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, 2 घंटा 35 मिनट में आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज वायरल चलती रहती है, तो दोस्तों आप वहां पर भी इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। बात करें इस मूवी के ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस मूवी को ओटीटी प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, नेटफ्लिक्स पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर के बारे में, तो इस मूवी का वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा, तो दोस्तों आप जी सिनेमा पर भी इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। यह मूवी आपको एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। तो अगर आप अक्षय कुमार की मच अवेटेड मूवी टॉयलेट एक प्रेम कथा को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टॉयलेट एक प्रेम कथा मूवी के बारे में। तो दोस्तों, ये मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है, तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें इस मूवी के बारे में, तो 11 अगस्त 2017 को रिलीज की गई कॉमेडी एंड रोमांस मूवी। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था श्री नारायण सिंह ने, जो कि जाने पहचाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों, आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों, और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारे चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। बात करें इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb रेटिंग 10 में से 7.2 की मिली हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के रोटेन टोमेटोज के बारे में, तो इस मूवी को रोटेन टोमेटोज की तरफ से 21% फ्रेश बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के गूगल यूजर्स के बारे में, तो इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 83% लाइक किया गया है। तो दोस्तों, आप एक बार तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी के ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस मूवी को ओटीटी प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, नेटफ्लिक्स पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर के बारे में, तो इस मूवी का वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, जी सिनेमा पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी में आपको देखने को मिलेंगे अक्षय कुमार,
भूमि, अनुपम खेर, सुधीर पांडे, साना खान आदि बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। दोस्तों इस मूवी का बजट था 75 करोड़। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 75 करोड़ में बनी थी। बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में, तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 310 करोड़ का कारोबार किया था। दोस्तों यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही थी। तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हम हमारे YouTube चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। टॉयलेट एक प्रेम कथा श्री नारायण सिंह द्वारा निर्मित 2017 की एक भारतीय हिंदी भाषा कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। अक्षय कुमार, नीरज पांडे द्वारा निर्मित है। यह अक्षय कुमार के भूमि पेंड नियर भारत की स्वच्छता की स्थिति को सुधार के लिए अभियान चलाते हैं, जिससे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में खुले में शौच के उल्लेखन में जोर दिया गया था। फिल्म भारत के शौचालय समस्या पर प्रकाश डालती है, जो कि इसे संस्कृत भाषाओं में भावनाओं के कारण भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के पास अभी भी बुनियाद आवश्यकता नहीं है। जो महिला को निराश करती है वह उसे आगे चलकर चेन उड़ती पीड़ा के कारण बनाती है। बताया जा रहा है कि यह भूमि मध्य के निर्माता सच्ची कहानी पर आधारित है, जिसके अपने पत्नी शिवराम के घर वापस जाने से इनकार कर दिया जाता है क्योंकि शौचालय नहीं था। वास्तव में फिल्म के अंत के बाद भूमि पेंड नियर के साथ दंपति के एक तस्वीर पर दिखाई देती है और उसके तथ्य उल्लेखनों के रूप में किया जाता है। फिल्म की शुरुआत में नहीं बताया जाता है कि फिल्म की सच्ची घटना के प्रेरित है, हालांकि वास्तव में पन्नों पर नाम अंत पर किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता के संदेश में आगे बढ़ाने का एक अच्छा प्रयास बताया गया है। दिसंबर 2017 बिल गेट्स टॉयलेट एक प्रेम कथा 2017 में छुए सकारात्मक चीजों को एक रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारे YouTube चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। दोस्तों बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में, तो इस मूवी का टाइम लेंथ हमें 2 घंटा 35 मिनट में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों हमने बिल्कुल सही सुना, 2 घंटा 35 मिनट में आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज वायरल चलती रहती है, तो दोस्तों आप वहां पर भी इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। बात करें इस मूवी के ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस मूवी को ओटीटी प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, नेटफ्लिक्स पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर के बारे में, तो इस मूवी का वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा, तो दोस्तों आप जी सिनेमा पर भी इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है, यह मूवी आपको एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता हूँ आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। तो अगर आप अक्षय कुमार की मच अवेटेड मूवी टॉयलेट एक प्रेम कथा को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टॉयलेट एक प्रेम कथा मूवी के बारे में। तो दोस्तों ये मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है, तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें इस मूवी के बारे में, तो 11 अगस्त 2017 को रिलीज की गई कॉमेडी एंड रोमांस मूवी। जी हाँ दोस्तों हमने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था श्री नारायण सिंह ने, जो कि जाने पहचाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है।
दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारे चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। बात करें इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb रेटिंग 10 में से 7.2 की मिली हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के रोटेन टोमेटोज के बारे में, तो इस मूवी को रोटेन टोमेटोज की तरफ से 21% फ्रेश बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के गूगल यूजर्स के बारे में, तो इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 83% लाइक किया गया है। तो दोस्तों आप एक बार तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म में नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, नेटफ्लिक्स पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर के बारे में, तो इस मूवी का वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, जी सिनेमा पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी में आपको देखने को मिलेंगे अक्षय कुमार, भूमि, अनुपम खेर, सुधीर पांडे, साना खान आदि बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। दोस्तों इस मूवी का बजट था 75 करोड़। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 75 करोड़ में बनी थी। बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में, तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 310 करोड़ का कारोबार किया था। दोस्तों यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही थी। तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हम हमारे YouTube चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। टॉयलेट एक प्रेम कथा श्री नारायण सिंह द्वारा निर्मित 2017 की एक भारतीय हिंदी भाषा कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। अक्षय कुमार, नीरज पांडे द्वारा निर्मित है। यह अक्षय कुमार के भूमि पेंड नियर भारत की स्वच्छता की स्थिति को सुधार के लिए अभियान चलाते हैं, जिसे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में खुले में शौच के उल्लेखन में जोर दिया गया था। फिल्म भारत के शौचालय समस्या पर प्रकाश डालती है, जो कि इसे संस्कृत भाषाओं में भावनाओं के कारण भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के पास अभी भी बुनियाद आवश्यकता नहीं है। जो महिला को निराश करती है वह उसे आगे चलकर चेन उड़ती पीड़ा के कारण बनाती है। बताया जा रहा है कि यह भूमि मध्य के निर्माता सच्ची कहानी पर आधारित है, जिसके अपने पत्नी शिवराम के घर वापस जाने से इनकार कर दिया जाता है क्योंकि शौचालय नहीं था। वास्तव में फिल्म के अंत के बाद भूमि पेंड नियर के साथ दंपति की एक तस्वीर पर दिखाई देती है और उसके तथ्य उल्लेखनों के रूप में किया जाता है। फिल्म की शुरुआत में नहीं बताया जाता है कि फिल्म की सच्ची घटना के प्रेरित है, हालांकि वास्तव में पन्नों पर नाम अंत पर किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता के संदेश में आगे बढ़ाने का एक अच्छा प्रयास बताया गया है। दिसंबर 2017 बिल गेट्स टॉयलेट एक प्रेम कथा 2017 में छुए सकारात्मक चीजों को एक रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारे YouTube चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। दोस्तों बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में, तो इस मूवी का टाइम लेंथ हमें 2 घंटा 35 मिनट में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, 2 घंटा 35 मिनट में आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज वायरल चलती रहती है, तो दोस्तों आप वहां पर भी इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। बात करें इस मूवी के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, नेटफ्लिक्स पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर के बारे में, तो इस मूवी का वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप जी सिनेमा पर भी इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है, यह मूवी आपको एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता हूँ आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। तो अगर आप अक्षय कुमार की मच अवेटेड मूवी टॉयलेट एक प्रेम कथा को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा।
आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टॉयलेट एक प्रेम कथा मूवी के बारे में। तो दोस्तों ये मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है। तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें इस मूवी के बारे में तो 11 अगस्त 2017 को रिलीज की गई कॉमेडी एंड रोमांस मूवी। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था श्री नारायण सिंह ने, जो कि जाने पहचाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारे चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। बात करें इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb रेटिंग 10 में से 7.2 की मिली हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के रोटेन टोमेटोज के बारे में, तो इस मूवी को रोटेन टोमेटोज की तरफ से 21% फ्रेश बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के गूगल यूजर्स के बारे में, तो इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 83% लाइक किया गया है। तो दोस्तों आप एक बार तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म में नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, नेटफ्लिक्स पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। बात करें इस मूवी के वर्ल्ड रैप प्रीमियर के बारे में, तो इस मूवी का वर्ल्ड रैप प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, जी सिनेमा पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी में आपको देखने को मिलेंगे अक्षय कुमार, भूमि, अनुपम खेर, सुधीर पांडे, साना खान आदि बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। दोस्तों इस मूवी का बजट था 75 करोड़। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 75 करोड़ में बनी थी। बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में, तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 310 करोड़ का कारोबार किया था। दोस्तों यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही थी। तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हम हमारे YouTube चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। टॉयलेट एक प्रेम कथा श्री नारायण सिंह द्वारा निर्मित 2017 की एक भारतीय हिंदी भाषा कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। अक्षय कुमार, नीरज पांडे द्वारा निर्मित है। यह अक्षय कुमार के भूमि पेंड नियर भारत की स्वच्छता की स्थिति को सुधार के लिए अभियान चलाते हैं, जिससे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में खुले में शौच के उल्लेखन में जोर दिया गया था। फिल्म भारत के शौचालय समस्या पर प्रकाश डालती है, जो कि इसे संस्कृत भाषाओं में भावनाओं के कारण भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के पास अभी भी बुनियाद आवश्यकता नहीं है। जो महिला को निराश करती है वह उसे आगे चलकर चेन उड़ती पीड़ा के कारण बनाती है। बताया जा रहा है कि यह भूमि मध्य के निर्माता सच्ची कहानी पर आधारित है, जिसके अपने पत्नी शिवराम के घर वापस जाने से इनकार कर दिया जाता है क्योंकि शौचालय नहीं था। वास्तव में फिल्म के अंत के बाद भूमि पेंड नियर के साथ दंपति की एक तस्वीर पर दिखाई देती है और उसके तथ्य उल्लेखनों के रूप में किया जाता है। फिल्म की शुरुआत में नहीं बताया जाता है कि फिल्म की सच्ची घटना के प्रेरित है, हालांकि वास्तव में पन्नों पर नाम अंत पर किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता के संदेश में आगे बढ़ाने का एक अच्छा प्रयास बताया गया है। दिसंबर 2017 बिल गेट्स टॉयलेट एक प्रेम कथा 2017 में छुए सकारात्मक चीजों को एक रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारे YouTube चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। दोस्तों बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में, तो इस मूवी का टाइम लेंथ हमें 2 घंटा 35 मिनट में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, 2 घंटा 35 मिनट में आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज वायरल चलती रहती है, तो दोस्तों आप वहां पर भी इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। बात करें इस मूवी के ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस मूवी को ओटीटी प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, नेटफ्लिक्स पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर के बारे में, तो इस मूवी का वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा, तो दोस्तों आप जी सिनेमा पर भी इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। यह मूवी आपको एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता हूँ आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। तो अगर आप अक्षय कुमार की मच अवेटेड मूवी टॉयलेट एक प्रेम कथा को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टॉयलेट एक प्रेम कथा मूवी के बारे में। तो दोस्तों ये मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है, तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें इस मूवी के बारे में, तो 11 अगस्त 2017 को रिलीज की गई कॉमेडी एंड रोमांस मूवी। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था श्री नारायण सिंह ने, जो कि जाने पहचाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारे चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। बात करें इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb रेटिंग 10 में से 7.2 की मिली हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के रोटेन टोमेटोज के बारे में, तो इस मूवी को रोटेन टोमेटोज की तरफ से 21% फ्रेश बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के गूगल यूजर्स के बारे में, तो इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 83% लाइक किया गया है। तो दोस्तों आप एक बार तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस मूवी को ओटीटी प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, नेटफ्लिक्स पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर के बारे में, तो इस मूवी का वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, जी सिनेमा पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी में आपको देखने को मिलेंगे अक्षय कुमार, भूमि, अनुपम खेर, सुधीर पांडे, साना खान आदि बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। दोस्तों इस मूवी का बजट था 75 करोड़। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 75 करोड़ में बनी थी। बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में, तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 310 करोड़ का कारोबार किया था। दोस्तों यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही थी। तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हम हमारे YouTube चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। टॉयलेट एक प्रेम कथा श्री नारायण सिंह द्वारा निर्मित 2017 की एक भारतीय हिंदी भाषा कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। अक्षय कुमार, नीरज पांडे द्वारा निर्मित है। यह अक्षय कुमार के भूमि
पेंड नियर भारत की स्वच्छता की स्थिति को सुधार के लिए अभियान चलाते हैं, जिसे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में खुले में शौच के उल्लेखन में जोर दिया गया था। फिल्म भारत के शौचालय समस्या पर प्रकाश डालती है, जो कि इसे संस्कृति भाषाओं में भावनाओं के कारण भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के पास अभी भी बुनियाद आवश्यकता नहीं है। जो महिला को निराश करती है वह उसे आगे चलकर चेन उड़ती पीड़ा के कारण बनाती है। बताया जा रहा है कि यह भूमि मध्य के निर्माता सच्ची कहानी पर आधारित है, जिसके अपने पत्नी शिवराम के घर वापस जाने से इनकार कर दिया जाता है क्योंकि शौचालय नहीं था। वास्तव में फिल्म के अंत के बाद भूमि पेंड नियर के साथ दंपति के एक तस्वीर पर दिखाई देती है और उसके तथ्य उल्लेखनों के रूप में किया जाता है। फिल्म की शुरुआत में नहीं बताया जाता है कि फिल्म की सच्ची घटना के प्रेरित है, हालांकि वास्तव में पन्नों पर नाम अंत पर किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता के संदेश में आगे बढ़ाने का एक अच्छा प्रयास बताया गया है। दिसंबर 2017 बिल गेट्स टॉयलेट एक प्रेम कथा 2017 में छुए सकारात्मक चीजों को एक रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो दोस्तों, आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों, और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारे YouTube चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। दोस्तों, बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में, तो इस मूवी का टाइम लेंथ हमें 2 घंटा 35 मिनट में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, 2 घंटा 35 मिनट में आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज वायरल चलती रहती है, तो दोस्तों आप वहां पर भी इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। बात करें इस मूवी के ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस मूवी का ओटीटी प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, नेटफ्लिक्स पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर के बारे में, तो इस मूवी का वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा, तो दोस्तों आप जी सिनेमा पर भी इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। यह मूवी आपको एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। तो अगर आप अक्षय कुमार की मच अवेटेड मूवी टॉयलेट एक प्रेम कथा को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टॉयलेट एक प्रेम कथा मूवी के बारे में। तो दोस्तों, ये मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है। तो दोस्तों, आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें इस मूवी के बारे में, तो 11 अगस्त 2017 को रिलीज की गई कॉमेडी एंड रोमांस मूवी। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था श्री नारायण सिंह ने, जो कि जाने पहचाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों, आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों, और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारे चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। बात करें इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb रेटिंग 10 में से 7.2 की मिली हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के रोटेन टोमेटोज के बारे में, तो इस मूवी को रोटेन टोमेटोज की तरफ से 21% फ्रेश बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के गूगल यूजर्स के बारे में, तो इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 83% लाइक किया गया है। तो दोस्तों, आप एक बार तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी के ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस मूवी को ओटीटी प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, नेटफ्लिक्स पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर के बारे में, तो इस मूवी का वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, जी सिनेमा पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी में आपको देखने को मिलेंगे अक्षय कुमार,
भूमि, अनुपम खेर, सुधीर पांडे, साना खान आदि बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। दोस्तों, इस मूवी का बजट था 75 करोड़। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 75 करोड़ में बनी थी। बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में, तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 310 करोड़ का कारोबार किया था। दोस्तों, यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही थी। तो दोस्तों, आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों, और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हम हमारे YouTube चैनल पर बता देंगे। तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। टॉयलेट एक प्रेम कथा श्री नारायण सिंह द्वारा निर्मित 2017 की एक भारतीय हिंदी भाषा कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। अक्षय कुमार, नीरज पांडे द्वारा निर्मित है। यह अक्षय कुमार के भूमि पेंड नियर भारत की स्वच्छता की स्थिति को सुधार के लिए अभियान चलाते हैं, जिसे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में खुले में शौच के उल्लेखन में जोर दिया गया था। फिल्म भारत के शौचालय समस्या पर प्रकाश डालती है, जो कि इसे संस्कृत भाषाओं में भावनाओं के कारण भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के पास अभी भी बुनियाद आवश्यकता नहीं है। जो महिला को निराश करती है वह उसे आगे चलकर चेन उड़ती पीड़ा के कारण बनाती है। बताया जा रहा है कि यह भूमि मध्य के निर्माता सच्ची कहानी पर आधारित है, जिसके अपने पत्नी शिवराम के घर वापस जाने से इनकार कर दिया जाता है क्योंकि शौचालय नहीं था। वास्तव में फिल्म के अंत के बाद भूमि पेंड नियर के साथ दंपति की एक तस्वीर पर दिखाई देती है और उसके तथ्य उल्लेखनों के रूप में किया जाता है। फिल्म की शुरुआत में नहीं बताया जाता है कि फिल्म की सच्ची घटना के प्रेरित है, हालांकि वास्तव में पन्नों पर नाम अंत पर किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता के संदेश में आगे बढ़ाने का एक अच्छा प्रयास बताया गया है। दिसंबर 2017 बिल गेट्स टॉयलेट एक प्रेम कथा 2017 में छुए सकारात्मक चीजों को एक रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो दोस्तों, आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों, और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारे YouTube चैनल पर बता देंगे। तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। दोस्तों, बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में, तो इस मूवी का टाइम लेंथ हमें 2 घंटा 35 मिनट में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, 2 घंटा 35 मिनट में आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज वायरल चलती रहती है। तो दोस्तों, आप वहां पर भी इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। बात करें इस मूवी के ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस मूवी को ओटीटी प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, नेटफ्लिक्स पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर के बारे में, तो इस मूवी का वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप जी सिनेमा पर भी इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। यह मूवी आपको एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। तो अगर आप अक्षय कुमार की मच अवेटेड मूवी टॉयलेट एक प्रेम कथा को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टॉयलेट एक प्रेम कथा मूवी के बारे में। तो दोस्तों, ये मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है। तो दोस्तों, आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें इस मूवी के बारे में, तो 11 अगस्त 2017 को रिलीज की गई कॉमेडी एंड रोमांस मूवी। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में,
तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था श्री नारायण सिंह ने, जो कि जाने पहचाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारे चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। बात करें इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb रेटिंग 10 में से 7.2 की मिली हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के रोटेन टोमेटोज के बारे में, तो इस मूवी को रोटेन टोमेटोज की तरफ से 21% फ्रेश बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के गूगल यूजर्स के बारे में, तो इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 83% लाइक किया गया है। तो दोस्तों आप एक बार तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म में नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, नेटफ्लिक्स पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर के बारे में, तो इस मूवी का वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, जी सिनेमा पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी में आपको देखने को मिलेंगे अक्षय कुमार, भूमि, अनुपम खेर, सुधीर पांडे, साना खान आदि बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। दोस्तों इस मूवी का बजट था 75 करोड़। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 75 करोड़ में बनी थी। बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में, तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 310 करोड़ का कारोबार किया था। दोस्तों यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही थी। तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हम हमारे YouTube चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। टॉयलेट एक प्रेम कथा श्री नारायण सिंह द्वारा निर्मित 2017 की एक भारतीय हिंदी भाषा कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। अक्षय कुमार, नीरज पांडे द्वारा निर्मित है। यह अक्षय कुमार के भूमि पेंड नियर भारत की स्वच्छता की स्थिति को सुधार के लिए अभियान चलाते हैं, जिससे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में खुले में शौच के उल्लेखन में जोर दिया गया था। फिल्म भारत के शौचालय समस्या पर प्रकाश डालती है, जो कि इसे संस्कृतीय भाषाओं में भावनाओं के कारण भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के पास अभी भी बुनियाद आवश्यकता नहीं है। जो महिला को निराश करती है वह उसे आगे चलकर चेन उड़ती पीड़ा के कारण बनाती है। बताया जा रहा है कि यह भूमि मध्य के निर्माता सच्ची कहानी पर आधारित है, जिसके अपने पत्नी शिवराम के घर वापस जाने से इनकार कर दिया जाता है क्योंकि शौचालय नहीं था। वास्तव में फिल्म के अंत के बाद भूमि पेंड नियर के साथ दंपति के एक तस्वीर पर दिखाई देती है और उसके तथ्य उल्लेखनों के रूप में किया जाता है। फिल्म की शुरुआत में नहीं बताया जाता है कि फिल्म की सच्ची घटना के प्रेरित है, हालांकि वास्तव में पन्नों पर नाम अंत पर किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता के संदेश में आगे बढ़ाने का एक अच्छा प्रयास बताया गया है। दिसंबर 2017 बिल गेट्स टॉयलेट एक प्रेम कथा 2017 में छुए सकारात्मक चीजों को एक रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारे YouTube चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। दोस्तों बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में, तो इस मूवी का टाइम लेंथ हमें 2 घंटा 35 मिनट में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, 2 घंटा 35 मिनट में आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज वायरल चलती रहती है, तो दोस्तों आप वहां पर भी इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। बात करें इस मूवी के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस मूवी का OTT प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, नेटफ्लिक्स पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर के बारे में, तो इस मूवी का वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप जी सिनेमा पर भी इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं।
दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। यह मूवी आपको एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। तो अगर आप अक्षय कुमार की मच अवेटेड मूवी टॉयलेट एक प्रेम कथा को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टॉयलेट एक प्रेम कथा मूवी के बारे में। तो दोस्तों ये मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है। तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें इस मूवी के बारे में तो 11 अगस्त 2017 को रिलीज की गई कॉमेडी एंड रोमांस मूवी। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था श्री नारायण सिंह ने, जो कि जाने पहचाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारे चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। बात करें इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को IMDb रेटिंग 10 में से 7.2 की मिली हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के रोटेन टोमेटोज के बारे में तो इस मूवी को रोटेन टोमेटोज की तरफ से 21% फ्रेश बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के गूगल यूजर्स के बारे में तो इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 83% लाइक किया गया है। तो दोस्तों आप एक बार तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में तो इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म में नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, नेटफ्लिक्स पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर के बारे में तो इस मूवी का वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, जी सिनेमा पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी में आपको देखने को मिलेंगे अक्षय कुमार, भूमि, अनुपम खेर, सुधीर पांडे, साना खान आदि बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। दोस्तों इस मूवी का बजट था 75 करोड़। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 75 करोड़ में बनी थी। बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 310 करोड़ का कारोबार किया था। दोस्तों यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही थी। तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हम हमारे YouTube चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। टॉयलेट एक प्रेम कथा श्री नारायण सिंह द्वारा निर्मित 2017 की एक भारतीय हिंदी भाषा कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। अक्षय कुमार, नीरज पांडे द्वारा निर्मित है। यह अक्षय कुमार के भूमि पेंड नियर भारत की स्वच्छता की स्थिति को सुधार के लिए अभियान चलाते हैं, जिसे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में खुले में शौच के उल्लेखन में जोर दिया गया था। फिल्म भारत के शौचालय समस्या पर प्रकाश डालती है, जो कि इसे संस्कृत भाषाओं में भावनाओं के कारण भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के पास अभी भी बुनियाद आवश्यकता नहीं है। जो महिला को निराश करती है वह उसे आगे चलकर चेन उड़ती पीड़ा के कारण बनाती है। बताया जा रहा है कि यह भूमि मध्य के निर्माता सच्ची कहानी पर आधारित है, जिसके अपने पत्नी शिवराम के घर वापस जाने से इनकार कर दिया जाता है क्योंकि शौचालय नहीं था। वास्तव में फिल्म के अंत के बाद भूमि पेंड नियर के साथ दंपति की एक तस्वीर पर दिखाई देती है और उसके तथ्य उल्लेखनों के रूप में किया जाता है। फिल्म की शुरुआत में नहीं बताया जाता है कि फिल्म की सच्ची घटना के प्रेरित है, हालांकि वास्तव में पन्नों पर नाम अंत पर किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता के संदेश में आगे बढ़ाने का एक अच्छा प्रयास बताया गया है। दिसंबर 2017 बिल गेट्स टॉयलेट एक प्रेम कथा 2017 में छुए सकारात्मक चीजों को एक रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारे YouTube चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। दोस्तों बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में, तो इस मूवी का टाइम लेंथ हमें 2 घंटा 35 मिनट में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, 2 घंटा 35 मिनट में आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज वायरल चलती रहती है, तो दोस्तों आप वहां पर भी इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। बात करें इस मूवी के ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस मूवी को ओटीटी प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, नेटफ्लिक्स पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर के बारे में, तो इस मूवी का वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा, तो दोस्तों आप जी सिनेमा पर भी इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। यह मूवी आपको एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता हूँ आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। तो अगर आप अक्षय कुमार की मच अवेटेड मूवी टॉयलेट एक प्रेम कथा को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टॉयलेट एक प्रेम कथा मूवी के बारे में। तो दोस्तों ये मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है, तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें इस मूवी के बारे में, तो 11 अगस्त 2017 को रिलीज की गई कॉमेडी एंड रोमांस मूवी। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था श्री नारायण सिंह ने, जो कि जाने पहचाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारे चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। बात करें इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb रेटिंग 10 में से 7.2 की मिली हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के रोटेन टोमेटोज के बारे में, तो इस मूवी को रोटेन टोमेटोज की तरफ से 21% फ्रेश बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के गूगल यूजर्स के बारे में, तो इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 83% लाइक किया गया है। तो दोस्तों आप एक बार तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस मूवी को ओटीटी प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, नेटफ्लिक्स पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर के बारे में, तो इस मूवी का वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, जी सिनेमा पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी में आपको देखने को मिलेंगे अक्षय कुमार, भूमि, अनुपम खेर, सुधीर पांडे, साना खान आदि बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। दोस्तों इस मूवी का बजट था 75 करोड़। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 75 करोड़ में बनी थी। बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में, तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 310 करोड़ का कारोबार किया था। दोस्तों यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही थी। तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हम हमारे YouTube चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। टॉयलेट एक प्रेम कथा श्री नारायण सिंह द्वारा निर्मित 2017 की एक भारतीय हिंदी भाषा कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। अक्षय कुमार, नीरज पांडे द्वारा निर्मित है। यह अक्षय कुमार के भूमि
पेंड नियर भारत की स्वच्छता की स्थिति को सुधार के लिए अभियान चलाते हैं, जिसे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में खुले में शौच के उल्लेखन में जोर दिया गया था। फिल्म भारत के शौचालय समस्या पर प्रकाश डालती है, जो कि इसे संस्कृत भाषाओं में भावनाओं के कारण भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के पास अभी भी बुनियाद आवश्यकता नहीं है। जो महिला को निराश करती है वह उसे आगे चलकर चेन उड़ती पीड़ा के कारण बनाती है। बताया जा रहा है कि यह भूमि मध्य के निर्माता सच्ची कहानी पर आधारित है, जिसके अपने पत्नी शिवराम के घर वापस जाने से इनकार कर दिया जाता है क्योंकि शौचालय नहीं था। वास्तव में फिल्म के अंत के बाद भूमि पेंड नियर के साथ दंपति की एक तस्वीर पर दिखाई देती है और उसके तथ्य उल्लेखनों के रूप में किया जाता है। फिल्म की शुरुआत में नहीं बताया जाता है कि फिल्म की सच्ची घटना के प्रेरित है, हालांकि वास्तव में पन्नों पर नाम अंत पर किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता के संदेश में आगे बढ़ाने का एक अच्छा प्रयास बताया गया है। दिसंबर 2017 बिल गेट्स टॉयलेट एक प्रेम कथा 2017 में छुए सकारात्मक चीजों को एक रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो दोस्तों, आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों, और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारे YouTube चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। दोस्तों, बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में, तो इस मूवी का टाइम लेंथ हमें 2 घंटा 35 मिनट में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, 2 घंटा 35 मिनट में आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज वायरल चलती रहती है, तो दोस्तों आप वहां पर भी इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। बात करें इस मूवी के ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस मूवी को ओटीटी प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, नेटफ्लिक्स पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर के बारे में, तो इस मूवी का वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा, तो दोस्तों आप जी सिनेमा पर भी इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। यह मूवी आपको एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। तो अगर आप अक्षय कुमार की मच अवेटेड मूवी टॉयलेट एक प्रेम कथा को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टॉयलेट एक प्रेम कथा मूवी के बारे में। तो दोस्तों, ये मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है। तो दोस्तों, आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें इस मूवी के बारे में, तो 11 अगस्त 2017 को रिलीज की गई कॉमेडी एंड रोमांस मूवी। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था श्री नारायण सिंह ने, जो कि जाने पहचाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों, आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों, और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारे चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। बात करें इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb रेटिंग 10 में से 7.2 की मिली हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के रोटेन टोमेटोज के बारे में, तो इस मूवी को रोटेन टोमेटोज की तरफ से 21% फ्रेश बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के गूगल यूजर्स के बारे में, तो इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 83% लाइक किया गया है। तो दोस्तों, आप एक बार तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी के ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस मूवी को ओटीटी प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, नेटफ्लिक्स पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर के बारे में, तो इस मूवी का वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, जी सिनेमा पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी में आपको देखने को मिलेंगे अक्षय कुमार, भूमि,
अनुपम खेर, सुधीर पांडे, साना खान आदि बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। दोस्तों इस मूवी का बजट था 75 करोड़। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 75 करोड़ में बनी थी। बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में, तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 310 करोड़ का कारोबार किया था। दोस्तों यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही थी। तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हम हमारे यूट्यूब चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। टॉयलेट एक प्रेम कथा श्री नारायण सिंह द्वारा निर्मित 2017 की एक भारतीय हिंदी भाषा कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। अक्षय कुमार, नीरज पांडे द्वारा निर्मित है। यह अक्षय कुमार के भूमि पेंड नियर भारत की स्वच्छता की स्थिति को सुधार के लिए अभियान चलाते हैं, जिससे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में खुले में शौच के उल्लेखन में जोर दिया गया था। फिल्म भारत के शौचालय समस्या पर प्रकाश डालती है, जो कि इसे संस्कृतीय भाषाओं में भावनाओं के कारण भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के पास अभी भी बुनियाद आवश्यकता नहीं है। जो महिला को निराश करती है वह उसे आगे चलकर चेन उड़ती पीड़ा के कारण बनाती है। बताया जा रहा है कि यह भूमि मध्य के निर्माता सच्ची कहानी पर आधारित है, जिसके अपने पत्नी शिवराम के घर वापस जाने से इनकार कर दिया जाता है क्योंकि शौचालय नहीं था। वास्तव में फिल्म के अंत के बाद भूमि पेंड नियर के साथ दंपति के एक तस्वीर पर दिखाई देती है और उसके तथ्य उल्लेखनों के रूप में किया जाता है। फिल्म की शुरुआत में नहीं बताया जाता है कि फिल्म की सच्ची घटना के प्रेरित है, हालांकि वास्तव में पन्नों पर नाम अंत पर किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता के संदेश में आगे बढ़ाने का एक अच्छा प्रयास बताया गया है। दिसंबर 2017 बिल गेट्स टॉयलेट एक प्रेम कथा 2017 में छुए सकारात्मक चीजों को एक रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारे YouTube चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। दोस्तों बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में, तो इस मूवी का टाइम लेंथ हमें 2 घंटा 35 मिनट में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों हमने बिल्कुल सही सुना, 2 घंटा 35 मिनट में आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज वायरल चलती रहती है, तो दोस्तों आप वहां पर भी इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। बात करें इस मूवी के ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस मूवी का ओटीटी प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों हमने बिल्कुल सही सुना, नेटफ्लिक्स पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर के बारे में, तो इस मूवी का वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा, तो दोस्तों आप जी सिनेमा पर भी इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है, यह मूवी आपको एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता हूँ आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। तो अगर आप अक्षय कुमार की मच अवेटेड मूवी टॉयलेट एक प्रेम कथा को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टॉयलेट एक प्रेम कथा मूवी के बारे में। तो दोस्तों ये मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है, तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें इस मूवी के बारे में, तो 11 अगस्त 2017 को रिलीज की गई कॉमेडी एंड रोमांस मूवी। जी हाँ दोस्तों हमने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था श्री नारायण सिंह ने, जो कि जाने पहचाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारे चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके।
बात करें इस मूवी के आईएमडीबी रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को आईएमडीबी रेटिंग 10 में से 7.2 की मिली हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के रोटेन टोमेटोज के बारे में, तो इस मूवी को रोटेन टोमेटोज की तरफ से 21% फ्रेश बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के गूगल यूजर्स के बारे में, तो इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 83% लाइक किया गया है। तो दोस्तों, आप एक बार तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी के ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस मूवी को ओटीटी प्लेटफॉर्म में नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, नेटफ्लिक्स पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। बात करें इस मूवी के वर्ल्ड रैप प्रीमियर के बारे में, तो इस मूवी का वर्ल्ड रैप प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, जी सिनेमा पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी में आपको देखने को मिलेंगे अक्षय कुमार, भूमि, अनुपम खेर, सुधीर पांडे, साना खान आदि बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। दोस्तों, इस मूवी का बजट था 75 करोड़। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 75 करोड़ में बनी थी। बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में, तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 310 करोड़ का कारोबार किया था। दोस्तों, यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही थी। तो दोस्तों, आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों, और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हम हमारे YouTube चैनल पर बता देंगे। तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। टॉयलेट एक प्रेम कथा श्री नारायण सिंह द्वारा निर्मित 2017 की एक भारतीय हिंदी भाषा कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। अक्षय कुमार, नीरज पांडे द्वारा निर्मित है। यह अक्षय कुमार के भूमि पेंड नियर भारत की स्वच्छता की स्थिति को सुधार के लिए अभियान चलाते हैं, जिसे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में खुले में शौच के उल्लेखन में जोर दिया गया था। फिल्म भारत के शौचालय समस्या पर प्रकाश डालती है, जो कि इसे संस्कृत भाषाओं में भावनाओं के कारण भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के पास अभी भी बुनियाद आवश्यकता नहीं है। जो महिला को निराश करती है वह उसे आगे चलकर चेन उड़ती पीड़ा के कारण बनाती है। बताया जा रहा है कि यह भूमि मध्य के निर्माता सच्ची कहानी पर आधारित है, जिसके अपने पत्नी शिवराम के घर वापस जाने से इनकार कर दिया जाता है क्योंकि शौचालय नहीं था। वास्तव में फिल्म के अंत के बाद भूमि पेंड नियर के साथ दंपति की एक तस्वीर पर दिखाई देती है और उसके तथ्य उल्लेखनों के रूप में किया जाता है। फिल्म की शुरुआत में नहीं बताया जाता है कि फिल्म की सच्ची घटना के प्रेरित है, हालांकि वास्तव में पन्नों पर नाम अंत पर किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता के संदेश में आगे बढ़ाने का एक अच्छा प्रयास बताया गया है। दिसंबर 2017 बिल गेट्स टॉयलेट एक प्रेम कथा 2017 में छुए सकारात्मक चीजों को एक रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो दोस्तों, आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों, और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारे YouTube चैनल पर बता देंगे। तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। दोस्तों, बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में, तो इस मूवी का टाइम लेंथ हमें 2 घंटा 35 मिनट में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, 2 घंटा 35 मिनट में आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज वायरल चलती रहती है। तो दोस्तों, आप वहां पर भी इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। बात करें इस मूवी के ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस मूवी को ओटीटी प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, नेटफ्लिक्स पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। बात करें इस मूवी के वर्ल्ड रैप प्रीमियर के बारे में, तो इस मूवी का वर्ल्ड रैप प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप जी सिनेमा पर भी इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। यह मूवी आपको एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। तो अगर आप अक्षय कुमार की मच अवेटेड मूवी टॉयलेट एक प्रेम कथा को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टॉयलेट एक प्रेम कथा मूवी के बारे में।
तो दोस्तों ये मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है, तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें इस मूवी के बारे में तो 11 अगस्त 2017 को रिलीज की गई कॉमेडी एंड रोमांस मूवी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था श्री नारायण सिंह ने, जो कि जाने पहचाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारे चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। बात करें इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb रेटिंग 10 में से 7.2 की मिली हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के रोटेन टोमेटोज के बारे में, तो इस मूवी को रोटेन टोमेटोज की तरफ से 21% फ्रेश बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के गूगल यूजर्स के बारे में, तो इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 83% लाइक किया गया है। तो दोस्तों आप एक बार तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म में नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, नेटफ्लिक्स पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर के बारे में, तो इस मूवी का वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, जी सिनेमा पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी में आपको देखने को मिलेंगे अक्षय कुमार, भूमि, अनुपम खेर, सुधीर पांडे, साना खान आदि बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। दोस्तों इस मूवी का बजट था 75 करोड़। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 75 करोड़ में बनी थी। बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में, तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 310 करोड़ का कारोबार किया था। दोस्तों यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही थी। तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हम हमारे यूट्यूब चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। टॉयलेट एक प्रेम कथा श्री नारायण सिंह द्वारा निर्मित 2017 की एक भारतीय हिंदी भाषा कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। अक्षय कुमार, नीरज पांडे द्वारा निर्मित है। यह अक्षय कुमार के भूमि पेंड नियर भारत की स्वच्छता की स्थिति को सुधार के लिए अभियान चलाते हैं, जिससे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में खुले में शौच के उल्लेखन में जोर दिया गया था। फिल्म भारत के शौचालय समस्या पर प्रकाश डालती है, जो कि इसे संस्कृतीय भाषाओं में भावनाओं के कारण भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के पास अभी भी बुनियाद आवश्यकता नहीं है। जो महिला को निराश करती है वह उसे आगे चलकर चेन उड़ती पीड़ा के कारण बनाती है। बताया जा रहा है कि यह भूमि मध्य के निर्माता सच्ची कहानी पर आधारित है, जिसके अपने पत्नी शिवराम के घर वापस जाने से इनकार कर दिया जाता है क्योंकि शौचालय नहीं था। वास्तव में फिल्म के अंत के बाद भूमि पेंड नियर के साथ दंपति के एक तस्वीर पर दिखाई देती है और उसके तथ्य उल्लेखनों के रूप में किया जाता है। फिल्म की शुरुआत में नहीं बताया जाता है कि फिल्म की सच्ची घटना के प्रेरित है, हालांकि वास्तव में पन्नों पर नाम अंत पर किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता के संदेश में आगे बढ़ाने का एक अच्छा प्रयास बताया गया है। दिसंबर 2017 बिल गेट्स टॉयलेट एक प्रेम कथा 2017 में छुए सकारात्मक चीजों को एक रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा,
यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारे YouTube चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। दोस्तों बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में, तो इस मूवी का टाइम लेंथ हमें 2 घंटा 35 मिनट में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, 2 घंटा 35 मिनट में आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज वायरल चलती रहती है, तो दोस्तों आप वहां पर भी इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। बात करें इस मूवी के ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस मूवी का ओटीटी प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, नेटफ्लिक्स पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर के बारे में, तो इस मूवी का वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा, तो दोस्तों आप जी सिनेमा पर भी इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है, यह मूवी आपको एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता हूँ आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। तो अगर आप अक्षय कुमार की मच अवेटेड मूवी टॉयलेट एक प्रेम कथा को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टॉयलेट एक प्रेम कथा मूवी के बारे में। तो दोस्तों ये मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है, तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें इस मूवी के बारे में, तो 11 अगस्त 2017 को रिलीज की गई कॉमेडी एंड रोमांस मूवी। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था श्री नारायण सिंह ने, जो कि जाने पहचाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारे चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। बात करें इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb रेटिंग 10 में से 7.2 की मिली हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के रोटेन टोमेटोज के बारे में, तो इस मूवी को रोटेन टोमेटोज की तरफ से 21% फ्रेश बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के गूगल यूजर्स के बारे में, तो इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 83% लाइक किया गया है। तो दोस्तों आप एक बार तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस मूवी को ओटीटी प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, नेटफ्लिक्स पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर के बारे में, तो इस मूवी का वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, जी सिनेमा पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी में आपको देखने को मिलेंगे अक्षय कुमार, भूमि, अनुपम खेर, सुधीर पांडे, साना खान आदि बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। दोस्तों इस मूवी का बजट था 75 करोड़। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 75 करोड़ में बनी थी। बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में, तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 310 करोड़ का कारोबार किया था। दोस्तों यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही थी। तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारे YouTube चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। टॉयलेट एक प्रेम कथा श्री नारायण सिंह द्वारा निर्मित 2017 की एक भारतीय हिंदी भाषा कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। अक्षय कुमार, नीरज पांडे द्वारा निर्मित है। यह अक्षय कुमार के भूमि पेंड नियर भारत की स्वच्छता की स्थिति को सुधार के लिए अभियान चलाते हैं, जिसे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में खुले में शौच के उल्लेखन में जोर दिया गया था।
फिल्म भारत के शौचालय समस्या पर प्रकाश डालती है, जो कि इसे संस्कृत भाषाओं में भावनाओं के कारण भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के पास अभी भी बुनियाद आवश्यकता नहीं है। जो महिला को निराश करती है वह उसे आगे चलकर चेन उड़ती पीड़ा के कारण बनाती है। बताया जा रहा है कि यह भूमि मध्य के निर्माता सच्ची कहानी पर आधारित है, जिसके अपने पत्नी शिवराम के घर वापस जाने से इनकार कर दिया जाता है क्योंकि शौचालय नहीं था। वास्तव में फिल्म के अंत के बाद भूमि पेंड नियर के साथ दंपति के एक तस्वीर पर दिखाई देती है और उसके तथ्य उल्लेखनों के रूप में किया जाता है। फिल्म की शुरुआत में नहीं बताया जाता है कि फिल्म की सच्ची घटना के प्रेरित है, हालांकि वास्तव में पन्नों पर नाम अंत पर किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता के संदेश में आगे बढ़ाने का एक अच्छा प्रयास बताया गया है। दिसंबर 2017 बिल गेट्स टॉयलेट एक प्रेम कथा 2017 में छुए सकारात्मक चीजों को एक रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो दोस्तों, आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों, और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारे YouTube चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। दोस्तों, बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में, तो इस मूवी का टाइम लेंथ हमें 2 घंटा 35 मिनट में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, 2 घंटा 35 मिनट में आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज वायरल चलती रहती है, तो दोस्तों आप वहां पर भी इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। बात करें इस मूवी के ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस मूवी को ओटीटी प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, नेटफ्लिक्स पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर के बारे में, तो इस मूवी का वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा, तो दोस्तों आप जी सिनेमा पर भी इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। यह मूवी आपको एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। तो अगर आप अक्षय कुमार की मच अवेटेड मूवी टॉयलेट एक प्रेम कथा को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टॉयलेट एक प्रेम कथा मूवी के बारे में। तो दोस्तों, ये मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है। तो दोस्तों, आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें इस मूवी के बारे में, तो 11 अगस्त 2017 को रिलीज की गई कॉमेडी एंड रोमांस मूवी। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था श्री नारायण सिंह ने, जो कि जाने पहचाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों, आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों, और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारे चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। बात करें इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb रेटिंग 10 में से 7.2 की मिली हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के रोटेन टोमेटोज के बारे में, तो इस मूवी को रोटेन टोमेटोज की तरफ से 21% फ्रेश बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के गूगल यूजर्स के बारे में, तो इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 83% लाइक किया गया है। तो दोस्तों, आप एक बार तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी के ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस मूवी को ओटीटी प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, नेटफ्लिक्स पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर के बारे में, तो इस मूवी का वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, जी सिनेमा पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी में आपको देखने को मिलेंगे अक्षय कुमार, भूमि, अनुपम खेर, सुधीर पांडे, साना खान आदि बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में,
दोस्तों इस मूवी का बजट था 75 करोड़। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 75 करोड़ में बनी थी। बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में, तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 310 करोड़ का कारोबार किया था। दोस्तों यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही थी। तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हम हमारे YouTube चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। टॉयलेट एक प्रेम कथा श्री नारायण सिंह द्वारा निर्मित 2017 की एक भारतीय हिंदी भाषा कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। अक्षय कुमार नीरज पांडे द्वारा निर्मित है। यह अक्षय कुमार के भूमि पेंड नियर भारत की स्वच्छता की स्थिति को सुधार के लिए अभियान चलाते हैं, जिसे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में खुले में शौच के उल्लेखन में जोर दिया गया था। फिल्म भारत के शौचालय समस्या पर प्रकाश डालती है, जो कि इसे संस्कृत भाषाओं में भावनाओं के कारण भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के पास अभी भी बुनियाद आवश्यकता नहीं है। जो महिला को निराश करती है वह उसे आगे चलकर चेन उड़ती पीड़ा के कारण बनाती है। बताया जा रहा है कि यह भूमि मध्य के निर्माता सच्ची कहानी पर आधारित है, जिसके अपने पत्नी शिवराम के घर वापस जाने से इनकार कर दिया जाता है क्योंकि शौचालय नहीं था। वास्तव में फिल्म के अंत के बाद भूमि पेंड नियर के साथ दंपति की एक तस्वीर पर दिखाई देती है और उसके तथ्य उल्लेखनों के रूप में किया जाता है। फिल्म की शुरुआत में नहीं बताया जाता है कि फिल्म की सच्ची घटना के प्रेरित है, हालांकि वास्तव में पन्नों पर नाम अंत पर किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता के संदेश में आगे बढ़ाने का एक अच्छा प्रयास बताया गया है। दिसंबर 2017 बिल गेट्स टॉयलेट एक प्रेम कथा 2017 में छुए सकारात्मक चीजों को एक रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारे YouTube चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। दोस्तों बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में, तो इस मूवी का टाइम लेंथ हमें 2 घंटा 35 मिनट में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, 2 घंटा 35 मिनट में आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज वायरल चलती रहती है, तो दोस्तों आप वहां पर भी इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। बात करें इस मूवी के ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस मूवी को ओटीटी प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, नेटफ्लिक्स पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर के बारे में, तो इस मूवी का वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा, तो दोस्तों आप जी सिनेमा पर भी इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है, यह मूवी आपको एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता हूँ आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। तो अगर आप अक्षय कुमार की मच अवेटेड मूवी टॉयलेट एक प्रेम कथा को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टॉयलेट एक प्रेम कथा मूवी के बारे में। तो दोस्तों ये मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है, तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें इस मूवी के बारे में, तो 11 अगस्त 2017 को रिलीज की गई कॉमेडी एंड रोमांस मूवी। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था श्री नारायण सिंह ने, जो कि जाने पहचाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारे चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। बात करें इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb रेटिंग 10 में से 7.2 की मिली हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के रोटेन टोमेटोज के बारे में, तो इस मूवी को रोटेन टोमेटोज की तरफ से
21% फ्रेश बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के गूगल यूजर्स के बारे में, तो इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 83% लाइक किया गया है। तो दोस्तों आप एक बार तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस मूवी को ओटीटी प्लेटफॉर्म में नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, नेटफ्लिक्स पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर के बारे में, तो इस मूवी का वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, जी सिनेमा पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी में आपको देखने को मिलेंगे अक्षय कुमार, भूमि, अनुपम खेर, सुधीर पांडे, साना खान आदि बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। दोस्तों इस मूवी का बजट था 75 करोड़। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 75 करोड़ में बनी थी। बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में, तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 310 करोड़ का कारोबार किया था। दोस्तों यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही थी। तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हम हमारे YouTube चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। टॉयलेट एक प्रेम कथा श्री नारायण सिंह द्वारा निर्मित 2017 की एक भारतीय हिंदी भाषा कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। अक्षय कुमार, नीरज पांडे द्वारा निर्मित है। यह अक्षय कुमार के भूमि पेंड नियर भारत की स्वच्छता की स्थिति को सुधार के लिए अभियान चलाते हैं, जिसे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में खुले में शौच के उल्लेखन में जोर दिया गया था। फिल्म भारत के शौचालय समस्या पर प्रकाश डालती है, जो कि इसे संस्कृत भाषाओं में भावनाओं के कारण भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के पास अभी भी बुनियाद आवश्यकता नहीं है। जो महिला को निराश करती है वह उसे आगे चलकर चेन उड़ती पीड़ा के कारण बनाती है। बताया जा रहा है कि यह भूमि मध्य के निर्माता सच्ची कहानी पर आधारित है, जिसके अपने पत्नी शिवराम के घर वापस जाने से इनकार कर दिया जाता है क्योंकि शौचालय नहीं था। वास्तव में फिल्म के अंत के बाद भूमि पेंड नियर के साथ दंपति के एक तस्वीर पर दिखाई देती है और उसके तथ्य उल्लेखनों के रूप में किया जाता है। फिल्म की शुरुआत में नहीं बताया जाता है कि फिल्म की सच्ची घटना के प्रेरित है, हालांकि वास्तव में पन्नों पर नाम अंत पर किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता के संदेश में आगे बढ़ाने का एक अच्छा प्रयास बताया गया है। दिसंबर 2017 बिल गेट्स टॉयलेट एक प्रेम कथा 2017 में छुए सकारात्मक चीजों को एक रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हम हमारे YouTube चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। दोस्तों बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में, तो इस मूवी का टाइम लेंथ हमें 2 घंटा 35 मिनट में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, 2 घंटा 35 मिनट में आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज वायरल चलती रहती है, तो दोस्तों आप वहां पर भी इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। बात करें इस मूवी के ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस मूवी का ओटीटी प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, नेटफ्लिक्स पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर के बारे में, तो इस मूवी का वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप जी सिनेमा पर भी इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है, यह मूवी आपको एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता हूँ आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। तो अगर आप अक्षय कुमार की मच अवेटेड मूवी टॉयलेट एक प्रेम कथा को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टॉयलेट एक प्रेम कथा मूवी के बारे में,
तो दोस्तों ये मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है, तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें इस मूवी के बारे में तो 11 अगस्त 2017 को रिलीज की गई कॉमेडी एंड रोमांस मूवी। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था श्री नारायण सिंह ने, जो कि जाने पहचाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारे चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। बात करें इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb रेटिंग 10 में से 7.2 की मिली हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के रोटेन टोमेटोज के बारे में, तो इस मूवी को रोटेन टोमेटोज की तरफ से 21% फ्रेश बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के गूगल यूजर्स के बारे में, तो इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 83% लाइक किया गया है। तो दोस्तों आप एक बार तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म में नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, नेटफ्लिक्स पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर के बारे में, तो इस मूवी का वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, जी सिनेमा पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी में आपको देखने को मिलेंगे अक्षय कुमार, भूमि, अनुपम खेर, सुधीर पांडे, साना खान आदि बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। दोस्तों इस मूवी का बजट था 75 करोड़। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 75 करोड़ में बनी थी। बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में, तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 310 करोड़ का कारोबार किया था। दोस्तों यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही थी। तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हम हमारे YouTube चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। टॉयलेट एक प्रेम कथा श्री नारायण सिंह द्वारा निर्मित 2017 की एक भारतीय हिंदी भाषा कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। अक्षय कुमार, नीरज पांडे द्वारा निर्मित है। यह अक्षय कुमार के भूमि पेंड नियर भारत की स्वच्छता की स्थिति को सुधार के लिए अभियान चलाते हैं, जिससे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में खुले में शौच के उल्लेखन में जोर दिया गया था। फिल्म भारत के शौचालय समस्या पर प्रकाश डालती है, जो कि इसे संस्कृत भाषाओं में भावनाओं के कारण भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के पास अभी भी बुनियाद आवश्यकता नहीं है। जो महिला को निराश करती है वह उसे आगे चलकर चेन उड़ती पीड़ा के कारण बनाती है। बताया जा रहा है कि यह भूमि मध्य के निर्माता सच्ची कहानी पर आधारित है, जिसके अपने पत्नी शिवराम के घर वापस जाने से इनकार कर दिया जाता है क्योंकि शौचालय नहीं था। वास्तव में फिल्म के अंत के बाद भूमि पेंड नियर के साथ दंपति की एक तस्वीर पर दिखाई देती है और उसके तथ्य उल्लेखनों के रूप में किया जाता है। फिल्म की शुरुआत में नहीं बताया जाता है कि फिल्म की सच्ची घटना के प्रेरित है, हालांकि वास्तव में पन्नों पर नाम अंत पर किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता के संदेश में आगे बढ़ाने का एक अच्छा प्रयास बताया गया है। दिसंबर 2017 बिल गेट्स टॉयलेट एक प्रेम कथा 2017 में छुए सकारात्मक चीजों को एक रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारे YouTube चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। दोस्तों बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में, तो इस मूवी का टाइम लेंथ हमें 2 घंटा 35 मिनट में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, 2 घंटा 35 मिनट में आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी।
जाएगी। दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में तो ये मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज वायरल चलती रहती है, तो दोस्तों आप वहां पर भी इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। बात करें इस मूवी के ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में तो इस मूवी को ओटीटी प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, नेटफ्लिक्स पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर के बारे में तो इस मूवी का वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा, तो दोस्तों आप जी सिनेमा पर भी इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है, यह मूवी आपको एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता हूँ आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। तो अगर आप अक्षय कुमार की मच अवेटेड मूवी टॉयलेट एक प्रेम कथा को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टॉयलेट एक प्रेम कथा मूवी के बारे में। तो दोस्तों ये मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है, तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें इस मूवी के बारे में तो 11 अगस्त 2017 को रिलीज की गई कॉमेडी एंड रोमांस मूवी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था श्री नारायण सिंह ने, जो कि जाने पहचाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारे चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। बात करें इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को IMDb रेटिंग 10 में से 7.2 की मिली हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के रोटेन टोमेटोज के बारे में, तो इस मूवी को रोटेन टोमेटोज की तरफ से 21% फ्रेश बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के गूगल यूजर्स के बारे में, तो इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 83% लाइक किया गया है। तो दोस्तों आप एक बार तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस मूवी को ओटीटी प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, नेटफ्लिक्स पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर के बारे में, तो इस मूवी का वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, जी सिनेमा पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी में आपको देखने को मिलेंगे अक्षय कुमार, भूमि, अनुपम खेर, सुधीर पांडे, साना खान आदि बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। दोस्तों इस मूवी का बजट था 75 करोड़। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 75 करोड़ में बनी थी। बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में, तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 310 करोड़ का कारोबार किया था। दोस्तों यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही थी। तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हम हमारे यूट्यूब चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। टॉयलेट एक प्रेम कथा श्री नारायण सिंह द्वारा निर्मित 2017 की एक भारतीय हिंदी भाषा कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। अक्षय कुमार, नीरज पांडे द्वारा निर्मित है। यह अक्षय कुमार के भूमि पेंड नियर भारत की स्वच्छता की स्थिति को सुधार के लिए अभियान चलाते हैं, जिससे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में खुले में शौच के उल्लेखन में जोर दिया गया था। फिल्म भारत के शौचालय समस्या पर प्रकाश डालती है, जो कि इसे संस्कृतीय भाषाओं में भावनाओं के कारण भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के पास अभी भी बुनियाद आवश्यकता नहीं है। जो महिला को निराश करती है वह उसे आगे चलकर चेन उड़ती पीड़ा के कारण बनाती है। बताया जा रहा है कि यह भूमि मध्य के निर्माता सच्ची कहानी पर आधारित है, जिसके अपने पत्नी शिवराम के घर वापस जाने से इनकार कर दिया जाता है क्योंकि शौचालय नहीं था। वास्तव में फिल्म के अंत के बाद भूमि
पेंड नियर के साथ दंपति के एक तस्वीर पर दिखाई देती है और उसके तथ्य उल्लेखनों के रूप में किया जाता है। फिल्म की शुरुआत में नहीं बताया जाता है कि फिल्म की सच्ची घटना के प्रेरित है, हालांकि वास्तव में पन्नों पर नाम अंत पर किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता के संदेश में आगे बढ़ाने का एक अच्छा प्रयास बताया गया है। दिसंबर 2017 बिल गेट्स टॉयलेट एक प्रेम कथा 2017 में छुए सकारात्मक चीजों को एक रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो दोस्तों, आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों, और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारे YouTube चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। दोस्तों, बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में, तो इस मूवी का टाइम लेंथ हमें 2 घंटा 35 मिनट में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, 2 घंटा 35 मिनट में आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज वायरल चलती रहती है, तो दोस्तों आप वहां पर भी इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। बात करें इस मूवी के ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस मूवी का ओटीटी प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, नेटफ्लिक्स पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर के बारे में, तो इस मूवी का वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा, तो दोस्तों आप जी सिनेमा पर भी इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। यह मूवी आपको एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। तो अगर आप अक्षय कुमार की मच अवेटेड मूवी टॉयलेट एक प्रेम कथा को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टॉयलेट एक प्रेम कथा मूवी के बारे में। तो दोस्तों, ये मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है, तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें इस मूवी के बारे में, तो 11 अगस्त 2017 को रिलीज की गई कॉमेडी एंड रोमांस मूवी। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था श्री नारायण सिंह ने, जो कि जाने पहचाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों, आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों, और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारे चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। बात करें इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb रेटिंग 10 में से 7.2 की मिली हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के रोटेन टोमेटोज के बारे में, तो इस मूवी को रोटेन टोमेटोज की तरफ से 21% फ्रेश बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के गूगल यूजर्स के बारे में, तो इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 83% लाइक किया गया है। तो दोस्तों, आप एक बार तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी के ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस मूवी को ओटीटी प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, नेटफ्लिक्स पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर के बारे में, तो इस मूवी का वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, जी सिनेमा पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी में आपको देखने को मिलेंगे अक्षय कुमार, भूमि, अनुपम खेर, सुधीर पांडे, साना खान आदि बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। दोस्तों, इस मूवी का बजट था 75 करोड़। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 75 करोड़ में बनी थी। बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में, तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 310 करोड़ का कारोबार किया था। दोस्तों,
दोस्तों ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही थी। तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हम हमारे YouTube चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। टॉयलेट एक प्रेम कथा श्री नारायण सिंह द्वारा निर्मित 2017 की एक भारतीय हिंदी भाषा कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। अक्षय कुमार नीरज पांडे द्वारा निर्मित है। यह अक्षय कुमार के भूमि पेंड नियर भारत की स्वच्छता की स्थिति को सुधार के लिए अभियान चलाते हैं, जिसे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में खुले में शौच के उल्लेखन में जोर दिया गया था। फिल्म भारत के शौचालय समस्या पर प्रकाश डालती है, जो कि इसे संस्कृत भाषाओं में भावनाओं के कारण भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के पास अभी भी बुनियाद आवश्यकता नहीं है। जो महिला को निराश करती है वह उसे आगे चलकर चेन उड़ती पीड़ा के कारण बनाती है। बताया जा रहा है कि यह भूमि मध्य के निर्माता सच्ची कहानी पर आधारित है, जिसके अपने पत्नी शिवराम के घर वापस जाने से इनकार कर दिया जाता है क्योंकि शौचालय नहीं था। वास्तव में फिल्म के अंत के बाद भूमि पेंड नियर के साथ दंपति के एक तस्वीर पर दिखाई देती है और उसके तथ्य उल्लेखनों के रूप में किया जाता है। फिल्म की शुरुआत में नहीं बताया जाता है कि फिल्म की सच्ची घटना के प्रेरित है, हालांकि वास्तव में पन्नों पर नाम अंत पर किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता के संदेश में आगे बढ़ाने का एक अच्छा प्रयास बताया गया है। दिसंबर 2017 बिल गेट्स टॉयलेट एक प्रेम कथा 2017 में छुए सकारात्मक चीजों को एक रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारे YouTube चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। दोस्तों बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में, तो इस मूवी का टाइम लेंथ हमें 2 घंटा 35 मिनट में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, 2 घंटा 35 मिनट में आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज वायरल चलती रहती है, तो दोस्तों आप वहां पर भी इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। बात करें इस मूवी के ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस मूवी को ओटीटी प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, नेटफ्लिक्स पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर के बारे में, तो इस मूवी का वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा, तो दोस्तों आप जी सिनेमा पर भी इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। यह मूवी आपको एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। तो अगर आप अक्षय कुमार की मच अवेटेड मूवी टॉयलेट एक प्रेम कथा को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टॉयलेट एक प्रेम कथा मूवी के बारे में। तो दोस्तों ये मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है। तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें इस मूवी के बारे में, तो 11 अगस्त 2017 को रिलीज की गई कॉमेडी एंड रोमांस मूवी। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था श्री नारायण सिंह ने, जो कि जाने पहचाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारे चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। बात करें इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb रेटिंग 10 में से 7.2 की मिली हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के रोटेन टोमेटोज के बारे में, तो इस मूवी को रोटेन टोमेटोज की तरफ से
21% फ्रेश बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के गूगल यूजर्स के बारे में, तो इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 83% लाइक किया गया है। तो दोस्तों आप एक बार तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस मूवी को ओटीटी प्लेटफॉर्म में नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, नेटफ्लिक्स पर आप इस मूवी को इंजॉय कर सकते हैं। बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर के बारे में, तो इस मूवी का वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, जी सिनेमा पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी में आपको देखने को मिलेंगे अक्षय कुमार, भूमि, अनुपम खेर, सुधीर पांडे, साना खान आदि बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। दोस्तों इस मूवी का बजट था 75 करोड़। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 75 करोड़ में बनी थी। बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में, तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 310 करोड़ का कारोबार किया था। दोस्तों यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही थी। तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हम हमारे YouTube चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। टॉयलेट एक प्रेम कथा श्री नारायण सिंह द्वारा निर्मित 2017 की एक भारतीय हिंदी भाषा कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। अक्षय कुमार, नीरज पांडे द्वारा निर्मित है। यह अक्षय कुमार के भूमि पेंड नियर भारत की स्वच्छता की स्थिति को सुधार के लिए अभियान चलाते हैं, जिससे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में खुले में शौच के उल्लेखन में जोर दिया गया था। फिल्म भारत के शौचालय समस्या पर प्रकाश डालती है, जो कि इसे संस्कृत भाषाओं में भावनाओं के कारण भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के पास अभी भी बुनियाद आवश्यकता नहीं है। जो महिला को निराश करती है वह उसे आगे चलकर चेन उड़ती पीड़ा के कारण बनाती है। बताया जा रहा है कि यह भूमि मध्य के निर्माता सच्ची कहानी पर आधारित है, जिसके अपने पत्नी शिवराम के घर वापस जाने से इनकार कर दिया जाता है क्योंकि शौचालय नहीं था। वास्तव में फिल्म के अंत के बाद भूमि पेंड नियर के साथ दंपति के एक तस्वीर पर दिखाई देती है और उसके तथ्य उल्लेखनों के रूप में किया जाता है। फिल्म की शुरुआत में नहीं बताया जाता है कि फिल्म की सच्ची घटना के प्रेरित है, हालांकि वास्तव में पन्नों पर नाम अंत पर किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता के संदेश में आगे बढ़ाने का एक अच्छा प्रयास बताया गया है। दिसंबर 2017 बिल गेट्स टॉयलेट एक प्रेम कथा 2017 में छुए सकारात्मक चीजों को एक रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारे YouTube चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। दोस्तों बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में, तो इस मूवी का टाइम लेंथ हमें 2 घंटा 35 मिनट में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, 2 घंटा 35 मिनट में आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज वायरल चलती रहती है, तो दोस्तों आप वहां पर भी इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। बात करें इस मूवी के ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस मूवी का ओटीटी प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, नेटफ्लिक्स पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर के बारे में, तो इस मूवी का वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप जी सिनेमा पर भी इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है, यह मूवी आपको एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता हूँ आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। तो अगर आप अक्षय कुमार की मच अवेटेड मूवी टॉयलेट एक प्रेम कथा को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टॉयलेट एक प्रेम कथा मूवी के बारे में,
तो दोस्तों ये मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है, तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें इस मूवी के बारे में तो 11 अगस्त 2017 को रिलीज की गई कॉमेडी एंड रोमांस मूवी। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था श्री नारायण सिंह ने, जो कि जाने पहचाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारे चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। बात करें इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb रेटिंग 10 में से 7.2 की मिली हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के रोटेन टोमेटोज के बारे में, तो इस मूवी को रोटेन टोमेटोज की तरफ से 21% फ्रेश बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के गूगल यूजर्स के बारे में, तो इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 83% लाइक किया गया है। तो दोस्तों आप एक बार तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म में नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, नेटफ्लिक्स पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर के बारे में, तो इस मूवी का वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, जी सिनेमा पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी में आपको देखने को मिलेंगे अक्षय कुमार, भूमि, अनुपम खेर, सुधीर पांडे, साना खान आदि बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। दोस्तों इस मूवी का बजट था 75 करोड़। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 75 करोड़ में बनी थी। बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में, तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 310 करोड़ का कारोबार किया था। दोस्तों यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही थी। तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हम हमारे यूट्यूब चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। टॉयलेट एक प्रेम कथा श्री नारायण सिंह द्वारा निर्मित 2017 की एक भारतीय हिंदी भाषा कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। अक्षय कुमार, नीरज पांडे द्वारा निर्मित है। यह अक्षय कुमार के भूमि पेंड नियर भारत की स्वच्छता की स्थिति को सुधार के लिए अभियान चलाते हैं, जिसे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में खुले में शौच के उल्लेखन में जोर दिया गया था। फिल्म भारत के शौचालय समस्या पर प्रकाश डालती है, जो कि इसे संस्कृत भाषाओं में भावनाओं के कारण भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के पास अभी भी बुनियाद आवश्यकता नहीं है। जो महिला को निराश करती है वह उसे आगे चलकर चेन उड़ती पीड़ा के कारण बनाती है। बताया जा रहा है कि यह भूमि मध्य के निर्माता सच्ची कहानी पर आधारित है, जिसके अपने पत्नी शिवराम के घर वापस जाने से इनकार कर दिया जाता है क्योंकि शौचालय नहीं था। वास्तव में फिल्म के अंत के बाद भूमि पेंड नियर के साथ दंपति की एक तस्वीर पर दिखाई देती है और उसके तथ्य उल्लेखनों के रूप में किया जाता है। फिल्म की शुरुआत में नहीं बताया जाता है कि फिल्म की सच्ची घटना के प्रेरित है, हालांकि वास्तव में पन्नों पर नाम अंत पर किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता के संदेश में आगे बढ़ाने का एक अच्छा प्रयास बताया गया है। दिसंबर 2017 बिल गेट्स टॉयलेट एक प्रेम कथा 2017 में छुए सकारात्मक चीजों को एक रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारे YouTube चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। दोस्तों बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में, तो इस मूवी का टाइम लेंथ हमें 2 घंटा 35 मिनट में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, 2 घंटा
घंटा 35 मिनट में आपको यह मूवी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में तो यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज वायरल चलती रहती है, तो दोस्तों आप वहां पर भी इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। बात करें इस मूवी के ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में तो इस मूवी को ओटीटी प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, नेटफ्लिक्स पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर के बारे में तो इस मूवी का वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा, तो दोस्तों आप जी सिनेमा पर भी इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है, यह मूवी आपको एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता हूँ आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।